पिगमेंटेशन, झाइयां। दूसरा हमारा पॉइंट है GB34। आप अगर 35 प्लस की एज के, तो आपके लिए हम दो ऐसे पॉइंट्स लेकर आए कि जिनके बेनिफिट्स जानकर आप हैरान हो जाएंगे, और अगर आप चाहते हैं पूरा लाभ पाना, 41 डेज तक बिना एक भी दिन स्किप किए आप ये ट्रीटमेंट देंगे। आत्मवंदन सभी को, स्वागत है आप सबका सुजॉक विद मंजू में। फ्रेंड्स, हम ये पॉइंट्स की लोकेशन जानने से पहले इनके बेनिफिट्स जान लेते हैं। देखिए, हमारा पॉइंट है ST36 यानी स्टमक का 36 नंबर। अब इस पॉइंट से हमें लाभ क्या मिलेंगे? जैसे जैसे एज बढ़ती है, फेस पर रिंकल्स या फाइन लाइन आनी शुरू हो जाती है, पिगमेंटेशन, झाइयां, इसके अलावा स्किन ड्राई होने लग जाती है और स्किन हमारी बेजान और रूखी रूखी सी लगती है। तो जब आप इस पॉइंट पर काम करेंगे तो धीरे धीरे आपको खुद को ही फील होने लगेगा, स्किन में यंग लुक नजर आने लगा है और स्किन आपकी ज्यादा क्लियर और ग्लोइंग होने लगी है। अब इस पॉइंट का दूसरा लाभ क्या है? वो है हमारी आंखों से रिलेटेड। तो जैसे एज बढ़ती है, हमें ब्लर विजन होना शुरू हो जाता है, यानी कि थोड़ा कम दिखने लग जाता है। उसके अलावा आंखों में ड्राइनेस भी फील होती है, आंखों की नसें कमजोर होने लग जाती है और कैटरेक्ट का भी रिस्क हो जाता है। तो जब आप ST36 पर काम करेंगे तो आपको आंखों में भी बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। अब फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा हमारा पॉइंट है GB34 यानी गॉल ब्लैडर का 34 नंबर। अब इस पॉइंट के भी हम लोकेशन जानने से पहले इसके बेनिफिट जान लेते हैं। देखिए, एज बढ़ने के साथ हड्डियां और नसें कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं। तो जैसे हड्डियों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस है, रोमेटॉइड या गठिया है, या फिर नसों में दर्द रहता है और पूरी उसकी वजह से पूरी बॉडी में पेन रहता है, तो ये बहुत अच्छा इसमें आपको रिलीफ देगा। अब हम जान लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स की लोकेशन क्या है। ये दोनों पॉइंट हमें एक ही जगह पर मिलेंगे, हमारे हाथ की बैक साइड में, मिडल फिंगर में। ये देखिए, मिडल फिंगर के मिड जॉइंट पर ये पॉइंट है। जो एक पॉइंट है हमारा थंब की साइड, ये पॉइंट है हमारा ST36, और जो दूसरा पॉइंट हमारा सेंटर में है उस पॉइंट को हम बोलेंगे GB34। तो ये दो पॉइंट है हमारे एक साथ। इन पॉइंट्स पर अब हम क्या करेंगे, हम एक जिमी लेंगे। देखिए, ये हमने जिमी लिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई पेन पेंसिल ले सकते हैं या हाथ से भी कर सकते हैं। तो इससे हम इन दोनों पॉइंट को ऐसे स्टिमुलेट करेंगे 30-30 सेकंड तक, ये ऐसे स्टिमुलेट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक पेपर टेप। पेपर टेप पर हम दो स्टार मैग्नेट लगाए हैं हमने, ये देखिए, क्योंकि हमारे पॉइंट एक साथ हैं तो हमारे स्टार मैग्नेट भी साथ साथ होंगे। और अगर आपके पास स्टार मैग्नेट नहीं है तो आप दो मेथी के दाने ले सकते हैं, सेम ही काम करेगा। ये देखिए, अब इनको हम इन पॉइंट्स पर लगा देंगे और ये ट्रीटमेंट आपको दोनों हाथों में करना है। रात को आप लगाकर सो जाएंगे और सुबह निकाल देंगे और फिर इन मैग्नेट्स को आप चिपका कर रख देंगे कि नेक्स्ट टाइम में हमें यूज में आए। ये रिचार्ज हो जाती हैं एक दूसरे से चिपकाने में, और अगर आप सीड्स यूज करते हैं तो उनको आप दोबारा से यूज नहीं कर सकते। तो बस ये थोड़ा इजी रहता है मैग्नेट्स लगाने से। तो फ्रेंड्स, ये आप ट्रीटमेंट 41 डेज तक करेंगे और फिर आप देखिए कि क्या इम्प्रूवमेंट आपको लगा, तो आप वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। आत्मवंदन।